Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, लेकिन उन सरगर्मियों के बीच अगर बाहुबली नेताओं की चर्चा ना हो तो ये कैसे हो सकता है। और उसमें से सबसे जो बड़ा नाम है वो है उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर। जहां बात करें तो मुख्तार अंसारी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, तो वहीं योगी शासन का और योगी प्रशासन का लगातार मुख्तार अंसारी पर शिकंजा के साथ साथ उनकी अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं यूपी के जेल में बंद मुख्तार अंसारी के परिवार को भी लगातार सताया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम जो अपडेट है मैं आप सभी को देते रहता हूं। लेकिन जिस तरीके से 2022 में यानी कि इसी साल विधानसभा का चुनाव है, तो मुख्तार अंसारी भी अब धीरे धीरे एक्शन मोड में आने लगे हैं। जी हाँ, बात करें तो उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिहाई की गुहार लगा दी है। इस संबंध में मुख्तार अंसारी की ओर से एक याचिका दायर की गई है। याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांग लिया है। मामले में 11 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। बता दें कि यूपी के मुख्तार अंसारी के खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज हैं और इनमें से अगर मैं बात करता हूं तो 15 केस जो है वो ट्रायल स्टेज पर है। मुख्तार अंसारी की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में बंदी प्रतिक्षीकरण याचिका दायर की गई है, जिसमें जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस सुधा रानी ठाकुर की पीठ में मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि उन्हें अवैध तरीके से यानी कि अवैध तरीके से न्यायिक हिरासत में रखा गया है। कहा गया है कि उनके खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में वे 10 साल की सजा काट चुके हैं और इस एक्ट में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। यानी कि होता क्या है कि अगर आपको किसी एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस कस्टडी के साथ साथ अगर आपका मामला दर्ज होता है तो उसको जांच करने में आपको 10 साल का समय दिया जाता है। अगर 10 साल में उस चीज की जांच नहीं हो पाती है तो प्रावधान है कि उस व्यक्ति को जेल से रिहा किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने 2007 से ही सजा काट रहे हैं और 10 साल से ज्यादा हो चुका है, तो इस केस में मुख्तार अंसारी को एक सुकून देने वाला खबर हो सकता है, क्योंकि इस प्रावधान के तहत हो सके तो मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि इन पर कई सारे आरोप हैं और उन आरोपों को लिया जाए तो योगी सरकार का जो बुलडोजर है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो लगातार कसता नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.